नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता की वीकेंड वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जो महिलाओं को काफी ज्यादा तंग करती है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वेजाइनल इन्फेक्शन के दवा के बारे में। बहुत संजीदा टॉपिक है और इसे अक्सर महिलाएं यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करती रहती है। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और इस चैनल के माध्यम से आपको एप्रोप्रिएट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान में पहली बात तो किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, लेकिन मैं एक फार्मासिस्ट हूं इसलिए आपको सिर्फ दवा के बारे में एजुकेट कर रहा हूं। किसी दवा को खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। देखिए, प्रेगनेंसी में जो इन्फेक्शंस होते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें जो सबसे सेफ दवा मानी गई है वो मानी गई है एजिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। ये दोनों प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं और इनको खाने से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पेट में पल रहे बच्चे को नहीं होता है, ऐसा स्टडी बताती है, ऐसा रिसर्च बताता है कि एजिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन दोनों ही सेफ होते हैं। इनका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं, लेकिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिल्कुल कुछ भी ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा सेंसिटिव समय होता है एक महिला के लिए और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। लेकिन अगर समस्या ज्यादा होती है, दवा खाना ही पड़ता है, तो एजिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन दोनों बहुत ही सेफ होती हैं। एजिथ्रोमाइसिन का अगर मैं बात करूं ब्रांड नेम के बारे में, तो मार्केट में एजी नाम से आती है, एजिथ्रॉल नाम से आती है, क्लिंडामाइसिन कई अन्य नामों से आती है। तो इनका इस्तेमाल डॉक्टर्स के सुझाव के बाद आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।